यार इतने सारे कमेंट्स जब मैंने गाड़ी परचेज़ की जो कि थी हमारी मारुति सुजुकी एस्प्रेसो की, भाई एस्प्रेसो क्यों ली, ज़ीरो स्टार रेटिंग की कार है, क्यों नहीं आपने अपनी, जैसे आपके पास ऑलरेडी टियागो है और आप एक अच्छी सेफ्टी कार वाली, सेफ्टी जिसकी अच्छी है वो यूज़ कर रहे थे, आपने फिर से टियागो क्यों नहीं ली। तो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू वे टू कार्स। सो भाई आज उसी का ही मैं आंसर देने वाला हूँ और आज हमारे पास फ्रेम में आ गई है दोनों कार्स, जो कि है जी एस्प्रेसो और हमारी टाटा की टियागो। अब यार है क्या कि टाटा की टियागो जो है ये 1XT मॉडल है और हमारी जो एस्प्रेसो ये टॉप एंड मॉडल है। तो होता क्या है यार, इसका जो टॉप एंड मॉडल है वो हमेशा क्लैश करता है इसके बेस मॉडल के साथ और ये बहुत सारी कार्स के साथ होता है इस सेगमेंट में या इससे ऊपर वाले सेगमेंट में भी। अब है क्या यार, स्टार्टिंग कर लेते हैं दोनों की कॉस्टिंग की। सबसे पहले ये हमें ऑन रोड पड़ी थी 5,90,000 रुपये की मेरठ से और हमने मई में परचेज़ की थी। अगर मैं बात करूँ टाटा टियागो XT मॉडल है ये, 2022 मॉडल है और ये हमें पड़ी थी 7,10,000 रुपये की। लेकिन आज हम बिल्कुल चलेंगे कि इसका टॉप मॉडल के रेट में इसका कौन सा मॉडल आता है। तो आपको इसका XE मॉडल मिल जाएगा जो कि सबसे बेस मॉडल होता है, वो ऑलमोस्ट आपको 6-6.5 लाख रुपये के बीच में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यार थोड़ा सा एक्सटीरियर्स के ऊपर। तो देखो एक्सटीरियर्स की अगर मैं बात करूं तो डायमेंशंस में दोनों कारों का कोई भी कंपटीशन नहीं है। ये जो एस्प्रेसो है ये एक सेगमेंट की नीचे की कार है अगर मैं टियागो से कंपेयर करूं। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टैंड्स की, अंदर स्पेस भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा आगे। बाकी अगर मैं बात कर लेता हूँ इंजन की, तो इंजन का एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है यार। ये एक 1.2 लीटर इंजन में आती है पेट्रोल, नेचुरली एस्पिरेटेड, एंड 86 PS की पावर निकालती है और 110 या 113 Nm के आसपास का टॉर्क। ये एक 1 लीटर के इंजन के साथ आती है जो मारुति का ट्राइड एंड टेस्टेड है और इसमें हमें मिलता है जी मारुति का भरोसा और बेटर चीज़ें आपको इसमें क्या मिलती हैं, रिफाइनमेंट ज़्यादा बेटर मिल जाती है और ऑलमोस्ट 68-69 PS की पावर ये जनरेट करती है और ऑलमोस्ट 90-91 Nm का इसमें टॉर्क आता है। अब जी बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की, मेन बात कर लेते हैं यार क्यों इन दोनों गाड़ियों में से हमने ये वाली फिर से क्यों ली। तो सबसे बड़ा रीज़न यार एक ये था, चेंज। सबसे पहले मैं चाहता था एक चेंज हो, ऐसा ना हो कि एक ही गाड़ी हमारे घर में रिपीट होती चली जाए, तो वो मुझे चाहिए था। और उसके बाद अब हमारा जो पर्पस था वो थोड़ा डिफरेंट था, 6 लाख रुपए का ही मेरा बजट था, 6 लाख रुपए मैं बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करना चाहता था और मैं ये चाहता था कि मैं एक टॉप एंड मॉडल कार पे जाऊं। तो मुझे यहाँ पे इस एस्प्रेसो का टॉप एंड मॉडल मिल जाता है और अगर मैं इसके XE मॉडल पे जाता तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारे फीचर्स के साथ ये छोड़नी पड़ जाती। आई थिंक XE मॉडल में इसमें पावर विंडोज़ भी नहीं आती हैं फ्रंट में, तो बहुत सारे फीचर्स के साथ मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ था। तो चलो जी अब अंदर आते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ एस्प्रेसो में हमें इंटीरियर में अंदर क्या क्या मिल जाता है। आइए, तो सबसे पहले मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ। हमें एस्प्रेसो के साथ कुछ ऐसी चाबी मिलती है टॉप एंड मॉडल के साथ, ये XT मॉडल की चाबी है टियागो की, बट अगर आप जब सिंपल वाली लोगे तो उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलो जी इसे अब गाड़ी को ओपन कर लेते हैं। यार जैसे ही आप इंटीरियर्स में आओगे तो मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आपको कोई प्रीमियम इंटीरियर मिलने वाला है, भाई बेसिक इंटीरियर होता है। 6 लाख रुपए की गाड़ी से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट तो भी नहीं कर सकते हो। बैठ जाते हैं यार कार में। तो कार में यार सबसे पहले आपको कुछ एक चीज़ें मिल जाती हैं जो कि बहुत अच्छी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यार आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिल जाते हैं जो कि 6 लाख रुपए के अंडर आपको गाड़ी में मिलते हैं। 7 स्पीड का आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, 7 स्पीड का आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। तो भाई सबसे बड़ा इसका जो एक एडवांटेज है वो यही है कार का, आपको दोनों पावर विंडोज मिल जाती हैं फ्रंट की, 2 इसमें स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, बाकी आपको AC हीटर, पावर स्टेयरिंग, सारे बेसिक फीचर्स आपको कार में मिल जाते हैं। तो एक तरीके से अगर मैं बात करूं यार, एक जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास होती है, 6 लाख रुपए में टॉप एंड मॉडल के हिसाब से ये कार एक बहुत अच्छी चॉइस है। अब आप देख सकते हैं मेरी हाइट फॉर रेफरेंस 5'9" और उसके हिसाब से मुझे अच्छा खासा ये स्पेस मिल जाता है। बॉनेट का पूरा एक प्रॉपर व्यू मिल जाता है, क्योंकि अब बॉनेट का प्रॉपर व्यू बताने के पीछे रीज़न ये है कि ये वाली जो कार है भाभी मेरी यूज़ करने वाली हैं जिनकी हाइट है 5'1" या 5 के आसपास है, 5 फीट है उनकी हाइट। तो उन्हें सबसे पहले ये होता है यार जो सारी फीमेल ड्राइवर्स का होता है कि उन्हें जो बॉनेट का व्यू होता है वो बिल्कुल अच्छा चाहिए होता है, जिससे विजिबिलिटी उन्हें अच्छी मिले और एक कॉन्फिडेंस उन्हें आए, क्योंकि वे एक न्यू ड्राइवर भी हैं।
तो जी ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से, अब मैं थोड़ा सा आपको स्पेस पीछे का भी दिखा देता हूँ कार में। यार देखो, जैसे ही आप आओगे ना, मारुति जाना चाहता है अपनी स्पेस मैनेजमेंट के लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मेरी हाइट के बारे में भी, भाई आप मेरा लेग रूम देखो, मतलब आप कोई भी सोच सकता है कि ये 6 लाख रुपए की कार है, या बाहर से इतनी छोटी दिखने वाली कार इतना स्पेस भी दे सकती है, और 4 लोगों के लिए ट्रैवल करने के लिए बड़ी कंफर्टेबल कार है यार। फ्यूल इकोनॉमी कार की बहुत ही बढ़िया है। आपने मेरी फ्यूल इकोनॉमी वाली वीडियो भी देखी ली होगी, अगर नहीं देखी तो अभी चेकआउट करो यार, बहुत आपको मजा आने वाला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यार, स्पेस आपको काफी मिल जाता है इसमें। आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते, बट ये आपको टियागो के भी टॉप मॉडल में नहीं मिलते हैं। तो चलो जी, अब एक बार मैं आपको कार का बूट दिखा देता हूं। अब वही टियागो वाली बात है यार, इसमें भी आपको चाबी लगा के ही बूट ओपन करना पड़ेगा। टियागो में भी बूट ऐसे ही ओपन करना पड़ता है। पार्शल ट्रे आपको इसमें मिल जाती है और एम्पल बूट स्पेस मिलता है यार। आप देखो ऑलमोस्ट टियागो जितना या शायद टियागो से भी ज्यादा आपको इसमें बूट स्पेस मिल जाता है। इस चीज से मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा यार कि इस कार की सेफ्टी, हाँ 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेके आई थी ये, मतलब सेफ्टी रेटिंग नहीं लेके आई थी, बेइज्जती ही कराई थी प्रॉपर इसने। बट मेरा जो पर्पस था इस कार को लेने का यार, वो यही था कि मुझे ये कार सिटी में चलानी थी मेनली, और मतलब कुछ ऐसे ही 5-10 किलोमीटर ये कार चलने वाली है, उस हिसाब से मुझे ये एक बेस्ट ऑप्शन लगा। अब यार बात कर लेते हैं टियागो की। टियागो में आपको क्या मिल जाता है, टियागो के लुक्स एनी डे इससे बहुत बेटर है। कोई भी देखेगा, कोई भी बता सकता है, वन साइड बिल्कुल इसके लुक्स ज़्यादा बेटर मिल जाते हैं आपको। बाकी अब चलिए जी, अब टियागो के अंदर चलते हैं। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ये लेके चलना कि हम XE मॉडल को लेके बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब आप टियागो के अंदर आओगे तो कुछ आपको एलिमेंट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, जो खराब है पहले मैं वो बता देता हूँ। आपको मैनुअली एडजस्टेबल ORVM उसमें मिलते हैं, कोई भी पावर विंडो आपको नहीं मिलेगी उसमें, कोई सेंटर लॉकिंग नहीं मिलेगी आपको उसमें। और जब आप कार में अंदर बैठ जाओगे तो जी ना ही आपको कोई म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, ना ही कोई आपको ये कंट्रोल्स मिलेंगे, बिल्कुल बेसिक कार मिलेगी जिसमें आपको कोई फीचर्स नहीं मिलेंगे, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मिस है। बाकी उसके अलावा आपको जो मीटर है वो बिल्कुल इसमें डिजिटल मिल जाता है, जो कहीं ना कहीं टियागो को एक प्रीमियम टच देता है। बाकी अगर मैं बात करूं यार कुछ चीज़ों की, तो अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से टियागो एनी डे बहुत बेटर है। इसकी सीट्स बहुत ज़्यादा कुशनी हैं उससे, तो कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से टियागो एक बेटर ऑप्शन है। अगर आप ये चीज़ देख रहे हो तो आपको ये ज़रूर लेनी चाहिए। अब चलते हैं जी पीछे। अब मेरी आगे वाली जो सीट है वो मेरे हिसाब से सेट है, और मैं थोड़ा सा सीट को पीछे करके ही चलाता हूँ, तो इसलिए ये भी थोड़ी पीछे सेट है। बाकी यार देखो, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ही कार आती है, और वो थर्ड आपको बिल्कुल फील होगा इसके डोर्स में भी। यार जैसे आप टियागो में पीछे बैठते हो ना, तो एक चीज़ आप फील करोगे, इसमें थोड़ा सा आप लोअर बैठते हो एज़ कम्पेयर टू एस्प्रेसो। एस्प्रेसो का क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, तो इसका 170 आता है, उसका 180 mm आता है, तो वो उसमें थोड़ा ऊंचा बैठते हो। लेकिन कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी पीछे की सीट ज़्यादा कंफर्टेबल मुझे लगी एज़ कम्पेयर टू एस्प्रेसो। बट एक चीज़ आपको कम मिलने वाली है इसमें, जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग होने वाली है बहुत सारे लोगों के लिए, भाई आपको नी रूम उतना नहीं मिलेगा जितना आपको उसमें मिलता है। और उसके बाद इसमें क्या है, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मेरा जो अभी सेटिंग पोस्चर के हिसाब से मेरे जो लेग्स हैं वो थोड़े ऊपर जा रहे हैं, और टियागो में कहीं ना कहीं एस्प्रेसो में बिल्कुल सीधे आ रहे थे। तो शायद लॉन्ग जर्नी इस पर वो शायद ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी एज कम्पेयर टू दिस। और अगर मैं फ्रंट सीट्स की बात करूँ तो टियागो उसमें ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं यार बूट स्पेस की। तो बूट स्पेस में भी यार वही है, आपको चाबी लगा के ये ओपन करना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा बूट स्पेस आपको यार टियागो में मिल जाता है, ये भी ठीक है, मतलब ये आप एम्पल टू एम्पल कंपैरिजन आज एस्प्रेसो से आप लेके चलना तो वो एक चीज़ है। कुछ ऐसी आपको यार एस्प्रेसो और टियागो के बीच में इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स के बीच का डिफरेंस पता लगेगा। अब चलो जी चला के देखते हैं दोनों में से कौन सी कार बेटर है। तो चलो भाई आओ और बैठते हैं टियागो में, और पहले टियागो को ड्राइव करके देखते हैं। तो चलो भाई अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। अब
एक चीज है यार जो टियागो में कहीं ना कहीं इसे बैकफायर करती है, इस कार की नॉइस। आप नॉइस एक बार सुनो। अभी गाड़ी में एसी भी नहीं चल रहा है। और एक चीज आप भाई इसका ये देखो हिलता हुआ। तो भाई ये एक टियागो में दिक्कत वाली चीज है। अब बेल्ट लगा लेते हैं यार सबसे पहले, नहीं तो ये बोलती रहेगी बीच में और बहुत अनोइंग साउंड करती है। तो भाई अब चलो ड्राइव शुरू करते हैं। अगर मैं इनिशियल पिकअप की बात करूं कार की, तो कहीं ना कहीं इसका जो इनिशियल पिकअप है वो मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है, क्योंकि बड़ा इंजन है, ज़्यादा आपको पावर डिलीवरी मिलती है इसमें, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इसकी बेटर है। और अगर मैं स्टेयरिंग की भी बात करूँ तो स्टेयरिंग इसका ज़्यादा स्मूथ है और क्लच भी इसका ज़्यादा स्मूथ है एज़ कम्पेयर टू एस्प्रेसो, जो कि एक शॉकिंग चीज़ है, क्योंकि एस्प्रेसो इससे थोड़ा सा एक नीचे सेगमेंट में आती है कार, छोटे इंजन के साथ आती है। और मारुति जाना जाता है अपनी ड्राइविंग अर्गोनॉमिक्स के लिए, जो कि बहुत स्मूथ होते हैं और सारे ड्राइवर्स के लिए अच्छे होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको टियागो में ज़्यादा बेटर मिलेगी अगर आप सिर्फ रिफाइनमेंट को छोड़ोगे। अब अभी जैसे मैं एक ख़राब रोड पे भी गया तो सस्पेंशन जो हैं वो ज़्यादा बेटर आपको टियागो के मिलेंगे, ये ज़्यादा आपको कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे और वैसे भी ज़्यादा बेटर हैं। अभी देखो मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ कार को, तो जो पिकअप वाली चीज़ है वो भी आपको टियागो में ज़्यादा बेटर मिलेगी एज़ कम्पेयर टू एस्प्रेसो, क्योंकि वो एक छोटे इंजन के साथ आती है और एक जो उसका डीमेरिट है वो डिस्प्लेसमेंट है ही। अब आप देख सकते हैं कैसे पॉटहोल्स हैं, बट कार काफ़ी अच्छा इसमें चल रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। और अगर मैं बात करूँ यार और सारी चीज़ों की, विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो विजिबिलिटी कार की बहुत अच्छी है टियागो में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके से। आपका फ्रंट जो मिरर है और जो इसके ए पिलर्स भी हैं वो ज़्यादा मोटे नहीं हैं, ठीक हैं, तो उस हिसाब से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्रेकिंग कार की बहुत अच्छी है, ब्रेकिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। जो राइड हैंडलिंग और स्टेबिलिटी का एक कॉम्बिनेशन है, अगर आप वो देख के कार परचेज करना चाहते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता टियागो के अलावा, क्योंकि टियागो अपने सेगमेंट में बेस्ट ये चीज़ देती है, तो एक सेगमेंट नीचे तो वो कभी भी नहीं दे सकता, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा बेटर मिलेगी टियागो के साथ। बाकी अगर मैं टियागो की बात करूँ तो एक साल से ज़्यादा पुरानी ये कार है, उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे परफॉर्म करती है। अब आप देखो यार सस्पेंशन कितना अच्छा इसका काम कर रहे हैं, आप देखो ग्राउंड क्लियरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी ये कार। बाकी यार इन गियर एक्सीलरेशन भी कार का काफ़ी अच्छा है। टियागो की एक मेरिट आती है यार, इसका इंजन में जो नॉइज़ है वो मुझे कहीं ना कहीं एक इसकी डीमेरिट लगती है। उसके अलावा अगर आप पूरे ड्राइविंग अर्गोनॉमिक्स की आप बात करो, या एक ड्राइविंग प्लेजर भी आपको कार में मिल जाता है साथ के साथ जब आप हाईवे पे जाते हो, तो वहां से आपको परेशान नहीं करती कार। चलो जी अब एक छोटी सी जगह से इसे यू टर्न लेके देखते हैं कार को, तो आप देख सकते हो यार, तो इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी बहुत अच्छा है, वहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो वाली कहानी है। बट हाँ एक गियर में जो आपको एक लैग है वो मिलेगा जब आप हायर आरपीएम्स पे गियर चेंजेस करोगे, या कुछ लोग होते हैं जो ड्रैग्स के शौकीन होते हैं तो वहाँ पे वो एक आपको एक इनिशियल रिस्पॉन्स में प्रॉब्लम होगी। अब जी अब चलते हैं जी एस्प्रेसो की तरफ, और अब जाके एक बार उसे ड्राइव करके देखते हैं कि वो कैसी है चलने में। तो अब थोड़ा सा एस्प्रेसो की तरफ चलते हैं। ये कुछ है यार गाड़ी का मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर आप एक रॉ कार चला सकते हो तो आप इस पे जा सकते हो, रॉ कार में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये है। चलो जी अब चला के देखते हैं हमारी एस्प्रेसो ये कैसी है चलने में, और अब इससे निकलते हैं बाहर और बैठते हैं एस्प्रेसो में। तो भाई अब चलते हैं एस्प्रेसो में और एस्प्रेसो को ड्राइव करके देखते हैं। अब एक चीज़ आपको इसमें बड़ी अजीब मिलेगी जो मैं उस टाइम आपको नहीं बता पाया, भाई ये वाले हैंडल्स, तो कहीं ना कहीं वो प्रीमियमनेस जो एक्सटीरियर्स में है वो आपको टियागो में ज़्यादा बेटर मिलेगी। तो भाई चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं इस कार को। मतलब ये चीज़ बड़ी शॉकिंग है और बहुत सरप्राइजिंग भी है। एक बार संजू साउंड सुनाओ यार एक बार।
भाई साउंड कहीं ना कहीं हमारी जो टियागो है उससे काफी कम है इस कार में, और अभी एसी भी इसका ऑफ है और वाइब्रेशंस भी काफी कम है। अब संजू एक बार ये दिखा, स्टीयरिंग नॉब, गियर नॉब सॉरी, आप देखो यार ये बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रहा, तो ये चीज बड़ी शॉकिंग है। अब चलो एसी चला लेते हैं। अब एसी जो टियागो का यार वो बहुत ही बढ़िया था। अब है क्या, एक चीज मैंने बिल्कुल एकदम से नोटिस कर लिया भाई, जो एसी टियागो का था ना वो बहुत, एक तो उसका जो वेंट्स का जो थ्रो था वो ज्यादा बेटर है इस कार से, इसका जो वेंट्स का थ्रो है वो काफी कम है, एक पे नहीं है, हमें दो पे चलाना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई हमारी हालत बहुत बुरी होने वाली है। उसके बाद एक छोटी कार वाली ये फील दे रही है कार अंदर से, क्लॉस्ट्रोफोबिक भी फील कराएगी आपको जैसे आप टियागो के बाद इसमें बैठोगे अंदर, बड़ा ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बॉनेट पे आप चढ़ के बैठ गए हो। और अब मैं इस कार को, मैंने हल्का हल्का एक्सेलरेट करा था ये आगे की तरफ के लिए गाड़ी, बट ये गाड़ी आगे जा नहीं रही है भाई, वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है ये एसी के साथ, जो कि टियागो इजीली हमारी चली गई थी। और इनिशियली अगर मैं आपको अपने इंप्रेशंस बताऊं तो इसका जो क्लच का थ्रो वो है ना, क्लच का जो थ्रो है वो थोड़ा सा अजीब है, मतलब टियागो का क्या है वो बड़ा अच्छे से हो जाता है, इसका थोड़ा सा ऐसे खड़े टाइप्स वाला भाई क्लच आपको मिलेगा। और स्टेयरिंग यार मारुति की सबसे बड़ा, जो मारुति को बैकफायर करता है वो इसका स्टेयरिंग है भाई, बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है ये स्टेयरिंग। वहीं अगर मैं इसकी फ्लिप साइड की बात करूं भाई, स्टेयरिंग बिल्कुल हार्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो गियर बॉक्स है वो आपको टियागो से ज़्यादा बेटर लगेगा, ज़्यादा एक्यूरेट उससे है। और भाई ज़्यादा क्राउन क्लियरेंस का फ़ायदा, टूटी फूटी रोडों पर भी आराम से कुदा के चलाओ, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। बाकी यार एसी का कहीं ना कहीं कूलिंग में दिक्कत है, और अभी मैं सेकंड गियर से उठा रहा हूँ क्योंकि एक छोटा इंजन है तो आपको पावर उस हिसाब से नहीं मिलेगी जो आपको टियागो में मिलती है, बट वहीं उसका एक फ्लिप साइड ये आ जाता है कि आपको बेटर फ्यूल इकोनॉमी ये कार देती है। आप सिटी में अगर आप ठीक ठाक कार चलाते हो, ड्राइविंग आपकी ठीक ठाक है, तो सिटी में आराम से आपको फ्यूल इकोनॉमी दे देगी भाई 18-19 के आसपास, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, रियल वर्ल्ड फिगर्स बता रहा हूँ जो आपको मिलेगी। हाईवे पे भाई माइलेज से जाके देखो मेरा मिक्स है, वो शॉक्ड हो जाओगे भाई, शॉक कि कैसे इतना माइलेज कोई भी कार दे सकती है। तो हाईवे पे तो आपको बहुत ही बढ़िया माइलेज ये कार देने वाली है। बात अगर मैं करूँ यार इसकी ड्राइवेबिलिटी की या सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन कहीं ना कहीं अच्छे हैं, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको दिक्कत होगी। और अब देखो, अब एक बार आप स्पीड देखो कार की यार, 22-23 की है और मैं थर्ड गियर में हूँ, कार भी थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल कर रही है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रगल आप फील करोगे, बट अच्छी चल रही है, वैसे कोई फाइट नहीं है कि आपको कोई दिक्कत फील होगी। और कहीं ना कहीं यार ये कार जो है इसका स्ट्रक्चर भी आप लोग जानते ही हैं, ग्लोबल एनकैप में जब इसकी रेटिंग भी आई थी कि जी इसका जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल है, वो आपको फील भी होगा बिल्कुल पूरा पूरा जब आप इसे हाई स्पीड्स पे चलाओगे। एक बार मैं आपको दिखाता भी हूँ यार ये करके। अब देखो ये मारुति 800 सामने जा रही है, ये बड़ा देख देख के निकाल रहे हैं भाई, अब हमें 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस का यही फ़ायदा मिलने वाला है, हम यहाँ से आराम से इस कार को निकाल लेंगे, हमें कोई दिक्कत हो भी नहीं रही है। बट यार कहीं ना वो जो एक इनिशियल लैग है वो इस कार में आपको फील होगा, मतलब आपको एक्सेलरेट करना पड़ेगा यार, नहीं तो बड़ी दिक्कत होगी जो कि आपको टियागो में नहीं होगी। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं यार भाई एक चीज और है, क्योंकि इसका जो गियर बॉक्स है ये काफी स्लीक है और बहुत एक्यूरेट है, तो वो जो हाई स्पीड्स पे जब आप गियर चेंजेस करोगे ना तो इंजन का जो लैग है वो आपको उतना नहीं फील होगा जो अभी मैंने टियागो में बहुत ज़्यादा एविडेंटली फील किया यार। और कहीं ना कहीं ओवरऑल रिफाइनमेंट जो आपको कार में मिलेगी, ये बोलना मेरे लिए यार बड़ा अजीब मुझे फील हो रहा है कि एक सेगमेंट की ऊपर की कार है वो, लेकिन ये उससे ज़्यादा रिफाइंड है। तो ये मेरे इनिशियल इंप्रेशंस हैं बिल्कुल। सस्पेंशन थोड़ा सा स्टिफ है, वो करना भी ज़रूरी था क्योंकि हल्की कार है यार, और हल्की कार होने की वजह से ऊंची भी है, तो सस्पेंशन अगर स्टिफ नहीं करेंगे तो वो बॉडी रोल और ये सारी चीज़ों को ठीक ठाक करने के लिए, बाकी बॉडी रोल भी मुझे कम फील हो रहा है। संजू साथ में बैठा है, संजू तुझे कैसा लग रहा है? हाँ ठीक है। तो यार एक इतने साइज की गाड़ी होने के बाद 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ भी कार का जो बॉडी रोल है वो वेल कंटेन्ड है,
वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली यार। ये चीज़ मेरे लिए बड़ी शॉकिंग है कि मारुति ने ये चीज़ कैसे करी है यार। अब देखो ये रोड काफ़ी बड़ा गड्ढा है, आप देखो कितने आराम से कार निकल गई। लेकिन हाँ यार, इसका इनिशियल है लैगी है, इनिशियली ये कार लैगी है, इनिशियली आपको एक्सेलरेट करके ही निकालनी पड़ेगी, ये वो चीज़ आपको लगेगी इसमें। ग्रेट भाई, ग्रेट सीरियसली यार, इसमें हाई आरपीएम्स पे कोई लैग नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ द गियर बॉक्स। भाई इस कार का गियर बॉक्स वाकई में बहुत ही बढ़िया है, बाकी फीचर्स आपको सारे मिल ही जाते हैं यार, बेसिक फीचर्स अगर आपको सिटी में कार चलानी हो उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया है। और यही कुछ था यार, आई थिंक ड्राइव में अगर मैं ड्राइवेबिलिटी की बात करूँ वो ज़्यादा बेटर आपको मिल जाती है थोड़ा टियागो में, अगर मैं पिकअप और इन सारी चीज़ों की बात करूँ। रिफाइनमेंट आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर मिल जाती है इसके साथ, जो कि आपको टियागो में कम मिलेगी। तो ये कुछ है यार मेरा। अब बाकी यार गाड़ी से बाहर निकलते हैं और डिस्कस करते हैं भाई दोनों कारों में से आपकी क्या पिक रहनी चाहिए और क्या आपकी प्रेफरेंसेस हैं, उसके हिसाब से आपको जाना चाहिए। तो चलो जी हम मिलते हैं गाड़ी के बाहर। तो भाई जैसे कि आपने देखा, मैंने आपको एस्प्रेसो भी चला के दिखाई और हमारी टियागो भी आपको चला के दिखाई। तो भाई अगर मैं बात करूँ, कॉन्क्लूड करते हैं अब सबसे पहले इस वीडियो को, तो देखो यार अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं कि आपको कार के साथ क्या चाहिए। अगर आपको कार में बेटर फीचर्स चाहिए और एक कम बजट, आपका 6 लाख रुपए का बजट है, आपको एक कार का टॉप मॉडल चाहिए, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, पावर विंडोज़, ये सारे फीचर्स अगर आपको चाहिए और बेटर आफ्टर सेल्स सर भाई रीसेल वैल्यू आपको चाहिए, आफ्टर सेल्स सर्विस ज़्यादा बेटर चाहिए और एक मारुति का भरोसा अगर आपको चाहिए, तो गो फॉर दिस एस्प्रेसो। एस्प्रेसो पे आप जा सकते हो अगर आप सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो। बट अगर आपको एक बेटर ड्राइवेबिलिटी वाली कार चाहिए, एक बड़े इंजन के साथ कार चाहिए, बेटर पावर के साथ कार चाहिए जिसका इनिशियल अच्छा हो, तो जी आपको जाना चाहिए इस टियागो पे। इसके साथ आपको 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिलती है, रिलायबिलिटी का भी इसका इसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। 2015 से ये कार मार्केट में आ रही है और यही सेम इंजन इस कार के साथ आ रहा है, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो मैंने आपको बता दिया यार, आपको अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से ऑप्शन को चूज़ करना है। और मेरे लिए कहीं ना कहीं ये दोनों ही कार मैं खुद चलाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे ये मीडिया व्हीकल्स मिले हैं। तो जब मेरी प्रेफरेंस थी एक बेटर ऑप्शन की और मेरा बजट 7.5 लाख तक और एक अच्छे फीचर्स के साथ तक था, तब मैंने एक गाड़ी ली टाटा की टियागो। जब मुझे एक फैमिली कार चाहिए थी जिसको मुझे 5 से 10 किलोमीटर रोज़ चलाना था, तो मैंने एस्प्रेसो परचेज़ की जब मेरा बजट 6 लाख रुपए का था। तो यार यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ़।